There's no one above it. We all need some loving, some kissing and hugging. Like, yeah, 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 yeah. You can't live without it. Yeah, I used to doubt it. But now that I found it, yeah, 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 yeah. You're so beautiful tonight. सो हेलो गाइज, वी आर बैक टू शिमला। और हम वहाँ से निकल चुके थे तत्ता पानी से, और हम शिमला वापस पहुँच चुके हैं। एक्चुअली हमारा वहाँ तो आगे कुछ प्लान बनाने थे, अब हम शिमला में जाएंगे एक वाटरफॉल पे, और जिस वाटरफॉल पे मैं पहले जा चुका हूँ। तो अब मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि वापस वहीं उसी वाटरफॉल पे जाना, तो लेट्स सी या कुछ कोई और रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। सो या फिलहाल तो वी आर हैविंग लंच, क्योंकि मेरे नेगी भाई को बहुत भूख लग रही है। नेगी वीडियो में आना नहीं चाहता है, बट हम इसको लेके आएंगे, नेगी की तरफ दिखाया जाए। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। वापस चला गया वो क्या? हेलो यार, हेलो भाई, आजा भाई। अब यहाँ पहुंच चुके हैं हम यार, ये रास्ता हम नीचे वाला लेंगे यहाँ से, शोगी से हम कहाँ गए, गोरो जब यहाँ से 1 किलोमीटर रहता है वहीं से हमने लेना ये रास्ता। और ये छोटा रास्ता पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, इस रास्ते पे जाना हमने, यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, ठीक है। ये गूगल पे सर्च मार लेना गोरो, वैसे मिल जाएगा आपको, वरना बीच रास्ते में शोगी से जब आओगे आप तो आपको पता लग जाएगा, या आप यहाँ के लोकल से भी पूछ सकते हो उस चीज़ के लिए। तो गाइस, यहाँ का रास्ता तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, कैसा है कैसा नहीं है वो ढूंढना ही पड़ता है ऑब्वियसली, कोई स्पेसिफिक रास्ता तो होता नहीं है। बट एक ये चीज़ है, दिखा सकता हूँ मैं जो आपको, पीछे आपको ऐसा सा व्यू दिखेगा, ये एक हरे कलर का कोई घर तो दिखेगा आपको, और एक कच्चा रास्ता है नीचे छोटा सा, और आपको इसी को फॉलो करना है। तो अब ये रास्ता ही फॉलो करना, भी ये रास्ता जहाँ जहाँ जा रहा है हमें वहीं जाना है, और यही फिर अपने को डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। सो अब मिलते हैं बस डेस्टिनेशन पे ही। कैमरे की बैटरी थोड़ी सी ख़त्म होने वाली है, स्टे ट्यून्ड। एज वी नो, और आपने भी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा कि जो मेरा रास्ता ढूंढने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है, तो मैं इस बार शर्मे को कह रहा हूँ कि लीड करे रास्ते को, और हम इसको फॉलो करेंगे। छः महीने पहले की बात है सिर्फ, मैं चंडीगढ़ के साफ साफ रोड पर चला करता था, और इस 6 महीने में मैं ऐसे ऐसे रास्ते चला गया हूँ जो मुझ तो क्या किसी को भी नहीं बताऊँगे। सी फाइनली गाइज, वी हैव रीच्ड। ये मंदिर का टॉप तो दिखना शुरू हो गया यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो। ये रास्ता भी मतलब ठीक ठाक था, डिफिकल्ट था। ये मेरे साथ वाले पार्टनर भी पहुँच चुके हैं कुछ डिले के बाद, बट काफ़ी हिम्मत करके आए हैं सारे। तो फाइनली हम फिर दोबारा पहुंच चुके हैं अपनी उस वाटरफॉल पे। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ। सारे आ जाओ भाई, देखिएगा। ओके, आ गए। सर मेरे दोस्त कह रहे थे कि हमें वो वाटरफॉल देखनी है, अबे आ चुके हैं। आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा
ये बंदा इंजर्ड था, इसकी लेग इंजर्ड थी, बड़े फिर भी ट्रैक करके पहुंच चुका है यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ के? रिफ्रेशिंग फील आ रहा है? अच्छा है, रिफ्रेशिंग भाई। ये बहुत ज्यादा मजेदार प्लेस है। हाँ, बहुत ज्यादा मजेदार प्लेस है। मैं तो सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ, पर किसी और रास्ते से। आपको जो चैल वाला रास्ता दिखाया था, अब ये शौकी वाला रास्ता है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से आओ। अब देख लो, तो गाइस अब शर्मा बताएगा आपको। फिर दोबारा शर्मा मेरे साथ यहाँ पहुँच चुका है, और दोबारा आते हुए बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा सही है। झरना बाय। अब हम यहाँ पे अपनी जर्नी को कर रहे हैं खत्म, और हम जा रहे हैं घर वापस। तो एक बार सबको बाय बाय बोल दो भाई लोग।